और दोस्तों क्या हाल है। मेरा नाम है पूनम और आज यहाँ मैं खेत पर आया हूँ हरेली त्यौहार के लिए। अपने खेत में भेलवा नामक पेड़ का एक डाल अपने खेत में लगाने के लिए, क्योंकि इससे होता है कि मतलब पुरानी परंपराएं हैं कि इससे खेत हरी भरी रहती हैं। तो चलिए उखाड़ कर लाते हैं और उसमें डालते हैं। तो दोस्तों उस तरफ उधर एक पेड़ है जहाँ पर वही पेड़ मिल जाएगा भेलवा नाम का, तो वहीं पर चलते हैं। तो कल रात भारी बारिश हुई, इस वजह से पूरे खेत में पानी भर चुका है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उस तरफ एक नदी भी है जो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। फिलहाल पहले ये काम निपटा लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ और आप देख सकते हैं यही वो पेड़ है भेलवा नाम का। तो चलिए इसका एक छोटा सा डाल तोड़ लेते हैं और इसे अपने खेत में लगाएंगे। तो मैंने एक दो तोड़ लिया। तो मैंने ये तोड़ लिया है, तो चलिए इसे खेत में लगाते हैं। यार यहाँ पर पानी बहुत भर गया है और हमारे साइड पक्की रोड तो नहीं है, कच्ची रोड ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका है, चलने में दिक्कत जाती है और बाइक और साइकिल का आना तो लगभग असंभव है। ला सकते हैं पर बहुत दिक्कत होगी उससे। तो ये हमारा खेत है और तो रोपाई अब अभी अभी लगभग हुई है, तो अभी ठीक से ये धान दिख नहीं रहा है, तो चलिए इसे लगाते हैं। ये पहला खेत, सब में नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक दो में लगाऊंगा। तो देख सकते हैं वहाँ पर सौर पैनल है, क्योंकि हमारे साथ बिजली नहीं है। अब बिजली ना होने के कारण यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं भी हैं। तो सौर पैनल से ही बोर चलता है, वो दिन भर ही चलता है, रात को सब बंद रहता है। ये हमारा छोटा सा घर है जो कि अनुदान में मिला था, एक छत का घर है जो हमने ही बनाया है। तो यहाँ पर पहुँच गए दूसरे वाले खेत में, तो यहाँ पर एक लगा देते हैं। यहाँ पर हो गया और इधर चलते हैं। तो ये हम चले इस साइड, इस तरफ। उधर बिजली लगा हुआ है झटका मशीन से। अब क्योंकि मैं खेत का चाबी तो लाना भूल गया, तो उस साइड ना जाए वही बेहतर है, क्योंकि झटका लग सकता है। तो एक इसी में ही लगा देते हैं। तरफ चलते हैं। तो हम पहुंच गए हैं यहाँ इस तरफ के साइड के खेत में, तो यहाँ पर एक लगा देते हैं, बस इतना काफ़ी है। हो रहा एक सौर पैनल और उस तरफ पूरा जंगल है। रही बात मेरे गांव की, तो मेरा गांव मेरे गांव का नाम देवी खार है और ये बारनाव पार्क के अंतर्गत आता है, जो कि एक जंगल वाला अभयारण्य है। तो यहाँ पर बहुत सारी असुविधाएं हैं, तो चलिए सब छोड़िए और आगे चलिए, आपको नदी का नज़ारा दिखाता हूँ। तो यही वो रास्ता है उस नदी की तरफ जाने का, वैसे नदी तो नहीं है, छोटा सा नाला है। पानी यहीं से होकर जाता है देगांव बांध की तरफ और वहीं से मछली आता है। तो आजकल हो रहा है कि लोरित खार से गुजर कर जाता है वो नदी, लेकिन वहाँ पर एक पुल बना हुआ है, लेकिन वहाँ के लोग पुल में पटनी को लगा देते हैं जिससे मछली इधर चढ़ नहीं पाता। तो यहाँ पर आजकल मछली बहुत कम पड़ चुका है,
तो बरसात के दिन में ही मछली ऊपर की तरफ आता है और लोग यहाँ पर पकड़ते थे बहुत, लेकिन अब नहीं आते उतने खास, क्योंकि मछली ही नहीं चढ़ता। जब पानी पुल के ऊपर से ज़्यादा हो जाता है तभी मछली वहाँ से चढ़ पाता है, नहीं तो वो तो ऐसे ही पकड़ लेते हैं। यार बादल भी बहुत ज़्यादा है और बारिश भी शुरू हो रही है, क्योंकि अब बारिश हो रही है तो जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ से निकलना होगा। तो चलिए पहले आपको हमारे नाले का दर्शन करा देते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, तो नदी का आवाज़ तो आ ही रहा होगा, नहीं आ रहा तो थोड़ा सी पास से दिखाता हूँ। इससे भी बहुत ज़्यादा पानी जाता है लेकिन फ़िलहाल तो इतना ही है। रात को पानी गिरा था तो लगभग यहाँ तक जा रहा था पानी, यहाँ तक फ़िलहाल इतना ही है। तो आइए दिखाता हूँ आपको, उतना खास बड़ा तो नहीं है पर हमारे लिए इतना ही बहुत है, क्योंकि अब जंगल वाला एरिया है। तो वो रहा, उधर से आ रहा है पानी। पहले से यहाँ पर काफ़ी कुछ बदल चुका है, यहाँ पर पहले बहुत सारे पेड़ थे लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब कटाई भी बहुत सारा हुआ और वहाँ पर कुछ ज़मीन भर खेती भी की है, इस वजह से यहाँ पर उतना जंगल तो नहीं है अब, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल था। तो ये पानी जा रहा है सीधा इस तरफ, पार नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर बीच में एक गड्ढा है और अगर वहाँ पर फंसे तो उस तरफ जाना तो पक्का है। तो चलिए यार बस इतना ही, चलिए वापस खेत की तरफ चलते हैं। यार ये फूल मुझे काफ़ी पसंद आता है क्योंकि ये जंगल की शोभा है। वैसे ये शहरों में भी देखने को मिलता है लेकिन अगर आप कोई जंगल एरिया में देखने को मिल जाए तो मज़ा ही क्या कहना यार। यार बरसात शुरू हो चुकी है और मैं अपने खेत की तरफ जाना शुरू कर चुका हूँ क्योंकि मुझे फ़िलहाल तो भीगना नहीं। यार तो अब मैं जा रहा हूँ घर, तो आज के लिए बस इतना ही यार। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फिर मिलेंगे।